पार्सल मेरा है, अनबॉक्सिंग महाराज को करनी है। तो ये मम्मी का पार्सल है, तो इसको मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो? आज मेरा बहुत ही स्पेशल पार्सल आया है। पिछले महीने मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी अपने सिलाई के रिलेटेड, तो मैंने जो है उसमें 500 स्टूडेंट से मैं सिलेक्ट हुई थी। मैम के पैटर्न और मैम के मेजरमेंट के साथ फिक्स बराबर बैठा था मेरा मेजरमेंट, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए पार्सल भेजा है। और इसमें पिछले दिन मैंने बताया भी था रात के 12-12 बजे तक मैं पैटर्न बना रही थी, पता है, तो इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की और बहुत खुशी मिलती है कुछ करने के बाद अगर वहाँ से भी रिस्पांस मिले तो। मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या आया है, वैसे तो पैटर्न ही होगी, मतलब सिलाई के चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो बस वही दिखा रही हूँ मैं आपको। और इसके साथ मुझे स्लीव्स के पैटर्न मिले ये, और दूसरा स्लीव्स, हर चीज़ का अलग अलग लिख रखा है, जिस चीज़ का पैटर्न है वो हर चीज़ का अलग अलग लिख रखा है। तो फिर इनको मेरे को जो मैंने बनाए थे ना उनके साथ मिलाने हैं। तो मैंने टोटल 10 ब्लाउज़ सीखे थे, 10 ब्लाउज़ का कोर्स लिया था, और तो सभी के पैटर्न मुझे मिल गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। मतलब 500 स्टूडेंट्स में सेलेक्ट हुई और मैम का पैटर्न मुझे मिला, तो 500 के 500 स्टूडेंट को तो नहीं भेज सकते ना, तो इसीलिए उन्होंने चैलेंज रखा था जिसके पैटर्न मेरे मेजरमेंट के साथ फिक्स बराबर मिलेगा उसी को हम पार्सल भेजेंगे। तो फाइनली भेज दिया, बाकी सर्टिफिकेट तो हमें ऐप में ही मिल गया था। ये है, ये है, ये है, और इनको लगा के ना अब हमको आसानी हो जाएगी ब्लाउज़ बनाने में, कि फिट आएगा एकदम मैम के जैसे। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मैम का भी और आप सभी देखने वालों का भी, मेरी मेहनत रंग लाई, कितनी खुशी मिलती है। थैंक यू। अरे हंस ले, अरे हंस ले, हंस ले, हंस ले, हंस ले भाई, हंस ले। हुआ साल अभी ना, कितना बहुत है पेज, बहुत पेज बचे हैं दोस्तों अभी इसके, पता नहीं कब कर पाएगा ये, शायद साल भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, ये अभी शुरुआती दौर पे है। ए, एक लाइन बन गई तेरी, अरे ऐसे थोड़ी घुमाते रहना, उसका भी मेथड होता है। हाँ। तो जैसे मेरा पार्सल अनबॉक्सिंग हुआ ना, तो नम्मू को हो गई कि मेरा तो कुछ सामान ही नहीं आता, तो मैंने पहले इसके लिए क्यूब मंगाया था, मैंने बोला अगर तू क्यूब सॉल्व करेगा तो जो तू मांगेगा वो खिलौना मैं तेरे लिए खरीदूंगी, तो लग गया वो। अभी ये क्यूब को खरीदे हुए 1.5-2 साल हो गए हैं, कभी मतलब करता है लेकिन नहीं आता है, इसको ध्यान नहीं लगाता है, तो फिर आज मौका मिला तो फिर चौका मार रहा है, अब पता नहीं क्या करेगा, लगा पड़ा है बेचारा। नमू कैमरा मैन था और अनबॉक्सिंग को अच्छा सामान होता तो अनबॉक्सिंग करता ना। इसका ट्यूशन का टाइम हो गया है तो ये ट्यूशन जाएगा, यहाँ से चले जा। आइए, आपका स्वागत है। इसके बदले मैंने इसको बोला था शाम को आइसक्रीम दूंगी, फिर इसको आइसक्रीम के बदले मैंने, अरे रा 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 रा। जाओ आप, ओके बाय, आई फ्लू मत लाना। आजकल डर बस आई फ्लू का है दोस्तों, हर किसी को आई फ्लू है, मयंक, भानु, रौनक, नित्या, मतलब नम्मू के साथ के जितने हैं सबको आई फ्लू है। नम्मू के लिए एक ब्लैक गॉगल्स चश्मा जो है वो ले दे रखा है, स्कूल में वो पहन के जाता है, तो आजकल तो सभी चश्मे के शौकीन वाले हो रखे हैं, तो आई फ्लू की बीमारी इतनी खतरनाक आ गई है, तो पता नहीं नम्मू तो ऐसे डर रहा है। परसों भानु यहाँ बाहर से जा रहा है अपना काउंटर के, वहाँ छुप रहा, भानु देख लेगा मुझे ऐसे जैसे लुक्का छुपी कर रहे हैं, तो ऐसा डर हो रखा है आई फ्लू का भी। मेरा क्या चल रहा होगा दोस्तों, देखिए, देख रहे हो, तो अगर हम मोबाइल हो या टीवी में हो कुछ चीज़ देख रहे हैं तो उसको हमने अपने मोबाइल में वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया और यूट्यूब पर डाल दिया, तो उसका भी कॉपीराइट आता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे मेरे वीडियो कोई देखते हैं जो यूट्यूब के वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं,
तो उनका कमेंट रहता है कि हमारे वीडियो में हमने कोई गाना यूज़ नहीं किया फिर भी कॉपीराइट आया। तो ऐसा नहीं होता है, जैसे हम बैठे हैं गाने की आवाज़ आ रही ना, बगल वाले कमरे में गाने चल रहे हैं, अगर उसकी आवाज़ भी इसमें मेरी आवाज़ से ज़्यादा वो रिकॉर्ड हो गई तो उसका भी कॉपीराइट आता है। ऐसे ही यूट्यूब सभी को पूरे इतने यूट्यूब को पैसे बांटते फिरेगा तो वो कंगाल नहीं हो जाएगा, तो वो पूरी चीज़ें देखता है। तो मैं गदर मूवी देख रही थी और पुरानी वाली, हाँ अभी नई वाली तो आई नहीं है, आई गई है थिएटर में, थिएटर बोलना नहीं आ रहा, थिएटर तो कहाँ से देखिए, तो हम देखते हैं टीवी में। तो अभी तक तो मैंने पुरानी तक नहीं देख रखी, नई कहाँ से देखूँगी। तो साथ साथ मैं कपड़े सिल रही हूँ और मूवी देख रही हूँ। मैंने अपने समय में ना, पहले के समय में बहुत कम मूवी देखे होंगे, टीवी जो नहीं होते थे कहाँ से देखते मूवी, तो ये पिक्चर उक्चर देखने का तो कुछ ऐसा ही था ही नहीं। तो अब जैसे ही नई गदर आ रही है तो इसलिए मैं पुरानी वाले को पहले देख रही हूँ। हाँ, मैंने आपको ये नहीं दिखाया था, मैंने ये प्लांट रखने के लिए ना ऐसे ऐसे स्लिप बना रखे हैं अपने साइडों में, तो अलग अलग प्लांट मेरे यहाँ पर रखे हैं और एक उस कोने पर रख रखा है। देखो मनी प्लांट मैंने ऊपर रख दिया है ये, और मेरी दुकान का नज़ारा तो ऐसी है, गर्मी हो रही है, थोड़ी देर पंखा चला लेती हूँ, मूवी देख लेती हूँ। अभी तो 3 घंटे की या 1.5 घंटा देख लिया, 1.5 घंटा और देखना है, तो शायद 4 बज रहा है, 5-6 बजे तक शायद सारे कपड़े भी सिल लूँगी और मूवी भी कंप्लीट हो जाएगी। मिलूँगी शाम को, बाय बाय। अच्छा, तो समय ये है शाम का और ये है मेरा काम आज का, 1 प्लाजो 2 प्लाजो 3 प्लाजो तो ये रेडी हो गए, और इनके साथ के 1 कुर्ता 2 कुर्ता 3 कुर्ता जो थे बाजू में कलिए वाले छोटे छोटे, ऐसे मांगते रहते ना कस्टमर, तो कुछ इस तरह के। अभी तो इनमें तुरपन वगैरह बहुत काम बचा है। तो हो गई है शाम, दुकान बढ़ा ली है मैंने, और मेरा जो पार्सल आया था ना वो यहीं पर है, इसको देखने का तब से देखा, उसके बाद देखने का टाइम नहीं है। क्या हो रहा है? बस एक चीज कर दूं मामा। क्या कर दूं? ये ऐसे ना, हाँ, इसको ऐसे लगाओ, हाँ, और इससे ना, हाँ, बात दो, इसको ऐसे लगाओ, हाँ, इसको इससे, हाँ, बात दो। क्या बनेगा फिर? सूटर बना रहा। सूटर? पावरफुल सूटर बनाएगा नमन, तो नमो थोड़ी बहुत मदद कर देगा मेरा, तकिया लगाने, हाँ, में, बिस्तर बिछाने में, चादर बिछाने पे, और बस कपड़े धोए थे, और वो मेरी मदद करेंगे इसको बांधने में, क्योंकि मेरे को सब्जी भी बनानी है मम्मा, 7:30 तो ऐसे ही हो गया, साथ सब्जी करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं जल्दी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, और माफ कर दीजिए क्योंकि बिजी ज़्यादा हो गई हूँ। समझ सकते हो मेरी समस्या को, एकदम परमानेंट यूट्यूबर भी मैं नहीं बन सकती हूँ क्योंकि मेरा काम अलग है। मामा, मेरे को ना वो वाला धागा नहीं मिला, ये तो हल्का है देखो। हाँ हाँ, मेरे पास उधर वाले हाथ में, बाय बोलो, गुड नाइट, बाय गुड नाइट, चलिए बाय, मिलते हैं जल्दी, कल या फिर दूसरे ब्लॉग में कभी, बाय।